नमस्कार, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 के 11वें अध्याय अल्कोहल फिनॉल ईथर का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हम यह जानेंगे कि अल्कोहल फिनॉल ईथर क्या हैं, इन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, अल्कोहल्स को OH समूह की संख्या के आधार पर तथा कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इसी प्रकार ईथर को सम्मित तथा असम्मित ईथर में नामकरण पद्धति के बारे में जानेंगे, जिसमें सामान्य नाम तथा IUPAC नाम। इसी प्रकार हम इन सभी क्रियात्मक समूहों की संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। OH समूह वाले यौगिक हमारे दैनिक जीवन में भी काफ़ी उपयोगी हैं। लकड़ी के फर्नीचर पर जो पॉलिश की जाती है उसमें प्रयुक्त होने वाली स्पिरिट इथेनॉल है। इसी प्रकार वस्त्र में प्रयुक्त होने वाली कपास में OH समूह वाले यौगिक हैं, शकरा में OH समूह वाले यौगिक हैं, और इसी प्रकार हम जो कागज काम में लेते हैं उसमें भी OH समूह युक्त यौगिक हैं। अल्कोहल में एक अथवा अधिक हाइड्रोक्सिल समूह एलिफैटिक कार्बन परमाणु या परमाणुओं से सीधे जुड़े होते हैं। यहाँ देखें, ये इथेनॉल है, इसमें OH समूह एलिफैटिक कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार ये अल्कोहल है। जबकि फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह एरोमेटिक तंत्र के कार्बन परमाणु या परमाणुओं से सीधे जुड़े होते हैं। ये दूसरे उदाहरण में देखें, जहाँ एरोमेटिक वलय बेंजीन की दिखाई है, इस पे OH समूह सीधा बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है, अतः यह फिनॉल है। एल्कोक्सी अथवा एरिल ऑक्सी समूह द्वारा हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से यौगिकों का एक दूसरा वर्ग प्राप्त होता है, जिन्हें ईथर कहते हैं। इस उदाहरण में देखें, CH3OCH3, यदि ये CH4 होता तो एल्केन होता, मीथेन। इसका H हटाकर हमने मिथॉक्सी समूह लगा दिया, OCH3, अब ये क्या बन गया, ईथर, डाई मिथाइल ईथर। ईथर वह यौगिक हैं जो किसी अल्कोहल अथवा फिनॉल के हाइड्रोक्सिल समूह की हाइड्रोजन के किसी एल्किल या एरिल समूह द्वारा विस्थापन से बनती हैं। ईथर को हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, अल्कोहल या फिनॉल के हाइड्रोजन को यदि एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर दें तब भी हमें ईथर प्राप्त होते हैं। इस उदाहरण में देखें, CH2OH यदि होता तो ये प्रोपेनॉल होता, लेकिन H को हमने मेथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, इससे ये क्या बन गया, मेथिल प्रोपिल ईथर। इसी तरह से नीचे वाले उदाहरण में देखें, CH3OH होता तो मिथेनॉल होता, H को हमने फेनिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, ये क्या बन गया, मेथिल फेनिल ईथर प्राप्त हो गया। अब देखते हैं वर्गीकरण। अल्कोहलों और फिनॉलों को उनके यौगिकों में उपस्थित एक अर्थात मोनो, दो डाई, तीन के लिए ट्राई अथवा अधिक हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के अनुसार क्रमशः मोनो, डाई, ट्राई अथवा पॉलीहाइड्रिक यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। इन उदाहरणों में देखें, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल C2H5OH, जहां एक ही OH समूह है, ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है जहां एक ही OH समूह बेंजीन वलय पे सीधा जुड़ा हुआ है। इसी तरह से डाईहाइड्रिक अल्कोहल में ये CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, यहां दो OH समूह होने के कारण इसे डाईहाइड्रिक कहा। इसी तरह से फिनॉल में भी दो OH समूह होने पे ये डाईहाइड्रिक फिनॉल है, और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में ये ग्लिसरॉल का उदाहरण है, जहाँ CH2OH, CHOH, CH2OH, जहाँ पर तीन OH समूह हैं, और इसी तरह से ये ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है जिसमें तीन OH समूह हैं। इस प्रकार OH समूहों की संख्या के आधार पर अल्कोहल और फिनॉलों को मोनोहाइड्रिक, ड्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और अधिक OH समूह होने पर पॉलीहाइड्रिक में वर्गीकृत किया जाता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों को हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के अनुसार पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है,
जिस कार्बन पर OH समूह जुड़ा है उस कार्बन की संकरण अवस्था हमें देखनी है। तो पहला वर्ग वे यौगिक जिनमें sp3 कार्बन OH आबंध उपस्थित हो, जहां OH समूह sp3 संकृत कार्बन पर जुड़ा हो। एल्कोहलों के इस वर्ग में हाइड्रोक्सिल समूह एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इन्हें पुनः प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन सभी उदाहरणों में OH समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है। प्राथमिक एल्कोहल किसे कहेंगे? जहां जिस कार्बन पर OH है वो केवल एक तरफ ही कार्बन से जुड़ा हो। द्वितीयक एल्कोहल वे हैं जहां जिस कार्बन पर OH है वो दो तरफ कार्बन से जुड़े हों, और तृतीयक एल्कोहल वे हैं जहां जिस कार्बन पर OH है वो तीन तरफ कार्बन से जुड़ा हो, उसे तृतीयक एल्कोहल कहा जाएगा। एलिलिक एल्कोहल भी इसी श्रेणी के उदाहरण हैं। इस प्रकार के एल्कोहल में OH समूह कार्बन कार्बन द्विक आबंध से अगले sp3 संकृत कार्बन परमाणु पर अर्थात एलिलिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यहाँ उदाहरण में देखें, द्विबंधित कार्बन से जो निकटवर्ती कार्बन है ये sp3 संकृत है। द्विबंधित कार्बन क्या कहलाते हैं? विनाइलिक कार्बन, जो कि sp2 संकृत हैं। उससे निकटवर्ती कार्बन, जस्ट उसके बाद अगला कार्बन sp3 संकृत कार्बन है। यदि इस पे OH होता है, इस कार्बन को हम एलिलिक कार्बन कहते हैं, तो ये एलिलिक एल्कोहल कहलाएगा। और पहला मेंबर है, इसका नाम ही एलाइल एल्कोहल है। ये प्राथमिक एल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन पे OH है वो एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा है। इसी तरह से ये भी एलिलिक एल्कोहल की श्रेणी में है क्योंकि द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 संकृत कार्बन पर OH का होना एलिलिक एल्कोहल है, और ये द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर OH है वो दो तरफ कार्बन से जुड़ा है, एक तरफ विनाइल समूह और दूसरी तरफ ये कार्बन जिसपे तीन बॉन्ड दिखाए हैं। इसी तरह से ये भी एलिलिक एल्कोहल है, तृतीयक एलिलिक एल्कोहल, जिस कार्बन पर OH है वो तीन तरफ कार्बन से जुड़ा है। sp3 कार्बन OH आबंध की श्रेणी में बेंजिलिक एल्कोहल भी आते हैं। इस प्रकार के एल्कोहल में OH समूह एरोमेटिक वलय से अगले sp3 संकृत कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि OH डायरेक्ट जुड़ता तो वो फिनॉल होते हैं, लेकिन बेंजीन रिंग से जुड़े हुए पहले कार्बन जो कि sp3 संकृत है, यदि उस पे OH हो तो ये कार्बन बेंजिलिक कार्बन कहलाता है, और इस प्रकार के अल्कोहल को बेंजिलिक एल्कोहल कहते हैं। यह प्राथमिक बेंजिलिक एल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन पर OH है वो एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा है। इसी तरह से यह द्वितीयक बेंजिलिक एल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन पर OH है वो दो तरफ कार्बन से जुड़ा है। इसी प्रकार यह तृतीयक बेंजिलिक एल्कोहल, जिसमें जिस कार्बन पर OH है वो तीन तरफ कार्बन से जुड़ा है। अब हम देखते हैं वे यौगिक जिनमें sp2 संकृत कार्बन पर OH आबंध उपस्थित हो। इन एल्कोहलों में OH समूह कार्बन कार्बन द्विक आबंध जैसे वाइनिलिक कार्बन या एरिल कार्बन से जुड़ा होता है। ये देखें उदाहरण में, ये sp2 संकृत कार्बन है, इन्हें हम वाइनिलिक कार्बन कहते हैं। इन कार्बन पर अगर OH समूह हो तो ये पहला मेंबर विनाइल एल्कोहल ही कहलाएगा, और ये वाइनिलिक कार्बन पर OH का होना sp2 OH आबंध की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार यदि एरिल समूह बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली OH जुड़ा हो तो ये भी sp2 कार्बन है। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत होते हैं, इन पे डायरेक्टली OH जुड़ा होना sp2 कार्बन OH आबंध की श्रेणी में आएगा, और ये फिनॉल हैं। इसी तरह से ये भी फिनॉल है, इसमें एक प्रतिस्थापी समूह मेथिल और लगा है, तो इसमें भी OH डायरेक्टली sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा है। अब देखते हैं ईथर का वर्गीकरण। ईथरों में यदि ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल अथवा एरिल समूह एक समान हों तो उन्हें सरल अथवा सममित ईथर कहते हैं। यदि ये दोनों समूह भिन्न भिन्न हों तो इन्हें मिश्रित अथवा
असममित ईथर में वर्गीकृत करते हैं। सममित ईथर में उदाहरण देखें, दोनों एल्किल समूह मैथिल हैं, अतः यह डाईमैथिल ईथर है। इसी तरह इस उदाहरण में दोनों एल्किल समूह इथाइल समूह हैं, अतः यह डाईएथिल ईथर है। दोनों एल्किल समूह के समान होने से इन्हें सममित ईथर कहा जाता है। दूसरे वर्ग असममित ईथर में देखें, इस उदाहरण में दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न हैं। ऑक्सीजन के एक तरफ मैथिल समूह है और एक तरफ प्रोपिल समूह है। तो इस तरह से अगर अगर एल्किल समूह अलग अलग होते हैं तो असममित ईथर है। इसी प्रकार यहाँ ऑक्सीजन के एक तरफ फिनाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है। तो अलग अलग समूहों के होने पर असममित ईथर और समान समूहों के होने पर सममित ईथर बनते हैं। अब देखते हैं नाम पद्धति। एल्कोहल के लिए सामान्य नाम के लिए हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े एल्किल समूह के सामान्य नाम के साथ एल्कोहल शब्द जोड़ा जाता है। इस उदाहरण में देखें, एल्किल समूह क्या है? मैथिल। उसके आगे OH जोड़ा तो नाम क्या बन गया? मैथिल एल्कोहल। जो भी एल्किल समूह होता है पहले उसका नाम लिखना है और OH के लिए एल्कोहल लिखना है। अगर यहाँ पर C2H5 होता तो एथिल एल्कोहल हो जाता, C3H7 होता तो प्रोपिल एल्कोहल हो जाता। तो एल्किल समूह के नाम के आगे एल्कोहल शब्द जोड़ना है, यह एल्कोहल का सामान्य नामकरण पद्धति है। IUPAC पद्धति के लिए उस एल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंतिम ई को अनुलग्न ऑल से प्रतिस्थापित किया जाता है। IUPAC पद्धति में हम एल्केन जो लिखते हैं उसका ई हटाकर ऑल शब्द लगा देंगे, तो इस तरह से IUPAC नाम आ जाएगा। उदाहरण के लिए इसी में देखें, इसका यदि हमें IUPAC नाम लिखना हो, हम अगर एल्केन लिखते तो मीथेन लिखते, मीथेन का ई हटा के ऑल लगा दें तो मिथेनॉल। प्रतिस्थापियों की स्थिति अंकों द्वारा इंगित की जाती है। इसके लिए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जिसे जनक श्रृंखला कहा जाता है, उसका क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जो हाइड्रोक्सिल समूह के समीप हो। OH समूह तथा अन्य प्रतिस्थापियों की स्थितियां उन कार्बन परमाणुओं के क्रमांक को प्रयुक्त कर दर्शाई जाती है जिससे वे जुड़े हों। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलों का नामकरण करने के लिए एल्केन के अंग्रेजी के नाम का अंतिम ई उसी प्रकार रख कर अंत में ऑल जोड़ दिया जाता है। हमने देखा कि एलिफैटिक एल्कोहल्स में जहां इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, इनमें हम ई को हटाकर ऑल लगाते हैं, लेकिन यदि यही पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हों जहां एक से अधिक OH समूह जुड़े हों तब हम ई नहीं हटाएंगे और ई को रख के उसके आगे ऑल जोड़ दिया जाएगा। OH समूह की संख्या को ऑल से पहले गुणात्मक पूर्वलग्न डाई, ट्राई आदि लगाकर इंगित किया जाता है। मान लीजिए दो OH समूह हैं तो डाई ऑल लिखा जाएगा, तीन OH समूह हैं तो ट्राई ऑल लिखा जाएगा। तो उनका कितने OH समूह हैं उसकी संख्या ऑल से पहले लिखनी है। OH समूह की स्थिति को उपयुक्त स्थिति सूचक द्वारा इंगित करते हैं। OH समूह अपनी कार्बन की श्रृंखला में जिन कार्बन संख्याओं पर जुड़े हैं उनकी संख्या लिखनी है और फिर हमें गुणात्मक पूर्वलग्न लगाना है, डाई ट्राई, और उसके आगे ऑल लिखना है। तो ये नाम देखें, इस उदाहरण में दो कार्बन की श्रृंखला है। दो कार्बन के एल्केन को हम क्या कहते हैं? एथेन, है ना। तो एथेन का ई भी हम रख लेंगे और उसके आगे क्योंकि दो OH समूह हैं तो डाईऑल लिखना है। किन स्थितियों पर हैं? एक एक कार्बन पे और दूसरा दूसरे कार्बन पे, तो 1,2 डाईऑल, एथेन 1,2 डाईऑल। कुछ एल्कोहलों के सामान्य तथा IUPAC नाम इस सारणी में देखते हैं। यहाँ देखें CH3OH, एल्किल समूह का नाम और आगे एल्कोहल लिखना है सामान्य नाम के लिए, तो क्या हो जाएगा? मैथिल एल्कोहल। और IUPAC नाम में मैथेन का ई हटा के ऑल लिखना है तो मैथेनॉल। इसी तरह से ये तीन कार्बन की श्रृंखला है, क्योंकि सीधी श्रृंखला अगर किनारे वाले कार्बन पे वैलेंसी फ्री करके हम OH लगाते हैं
तो वो एन प्रोपिल होता है। और यदि बीच वाले कार्बन, तीन कार्बन में यदि बीच वाले कार्बन पे OH लगाया जाए या श्रृंखला लगाई जाए या वैलेंसी खाली छोड़ी जाती है तो ये आइसोप्रोपिल समूह होता है। तो यहाँ हमने तीन कार्बन सीधी श्रृंखला में रखे और OH समूह लगाया, तो ये हो गया एन प्रोपिल एल्कोहल। तो एल्किल समूह का नाम लिखा एन प्रोपिल और उसके आगे एल्कोहल लगा दिया। इसी तरह से अगर हम IUPAC नाम देखें तो ये फर्स्ट वन कार्बन, कार्बन टू और कार्बन थ्री, तो प्रोपेन वन ऑल, वन पोजीशन पे OH समूह के होने से वन पे ऑल लगा दिया। तीन कार्बन के लिए हमने रूट वर्ड प्रोपेन लिखा और वन ऑल लिख दिया। इस उदाहरण में देखें, बीच वाले कार्बन पे हमने वैलेंसी फ्री की है और OH लगाया, तो ये आइसोप्रोपिल समूह है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और प्रोपेन टू ऑल, ये प्रोपेन टू ऑल। और जहाँ केवल संख्या का ही फर्क होता है, बाकी अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला देखें तो बिल्कुल सेम है, ये कहलाते हैं पोजीशन आइसोमर्स, स्थिति समावयव। इस उदाहरण में देखें, चार कार्बन की श्रृंखला और किनारे पे OH लगा है, एन ब्यूटिल एल्किल समूह का नाम लिखा, एल्कोहल लिख दिया आगे। और IUPAC नाम में 1, 2, 3, 4, चार कार्बन की चेन, वन पे ही ऑल लगा हुआ है, तो ब्यूटेन वन ऑल। इसमें देखें, यहाँ यह कार्बन जो दो तरफ कार्बन से जुड़ा होता है इसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं। चार कार्बन की श्रृंखला है और द्वितीयक कार्बन पे OH है, तो इसे कहेंगे द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, क्योंकि एल्किल समूह का नाम द्वितीयक ब्यूटिल हो गया और एल्कोहल हमने आगे लगा दिया। इसी तरह से IUPAC नाम लिखते समय इस सिरे से नंबरिंग करेंगे, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, जहाँ से OH को कम नंबर मिल जाए, तो ये हो गया ब्यूटेन टू ऑल। इसी तरह से इस उदाहरण में देखें, ये कार्बन की श्रृंखला में जब सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ब्रांच होती है इसे हम आइसो चेन कहते हैं, और कुल चार कार्बन हैं, तो ये हो गया आइसो ब्यूटिल एल्किल समूह, आइसो ब्यूटिल है और OH के कारण एल्कोहल लगा दिया, तो आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। जब हम IUPAC नामकरण करें तो हम चाहते हैं हमारे क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी समूह, सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है क्रियात्मक समूह को कम नंबर देने के लिए। इस सिरे से हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, वन पोजीशन पे OH है और टू पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल। इसमें तृतीयक कार्बन है ये जो तीन तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है और कुल कार्बन चार हैं, तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। और IUPAC नाम देखें तो हम जिस श्रृंखला, लंबी श्रृंखला देखते हैं तो ये एक, दो और तीन कार्बन की ये चेन है और इसमें सेकेंड कार्बन पे ही OH है, सेकेंड पे ही मैथिल समूह है, तो टू मैथिल प्रोपेन टू ऑल। अब ये डायोल आ गया जहाँ दो OH समूह हैं। इस डायोल में दो OH समूह होने पे CH2 को हम एथिलीन कहेंगे और कॉमन नेम में से एथिलीन ग्लाइकॉल कहा जाता है। और IUPAC नामकरण में एथेन 1,2 डायोल, एथेन के दोनों कार्बनों पे, वन पे भी OH है और टू पे भी OH है, तो एथेन 1,2 डायोल। इसी तरह से ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH, CH2OH है जहाँ तीन कार्बन की श्रृंखला है, प्रोपेन कहा IUPAC नाम में, और 1, 2 और 3 तीनों पोजीशन पे OH होने से 1,2,3 ट्रायोल, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। चक्रीय एल्कोहलों का नामकरण पूर्व लग्न साइक्लो लगाकर तथा OH समूह को C1 पर मानकर किया जाता है। यहाँ देखें, ये चक्रीय एल्कोहल है जहाँ रिंग कंपाउंड के ऊपर OH लगा हुआ है, इसे साइक्लो शब्द पहले लगाया और छः कार्बन की रिंग है तो हेक्सेन कहा, ई हटा के ऑल लगा दिया, तो साइक्लोहेक्सेनॉल। इसी तरह से ये पांच मेंबर की रिंग है और जहां OH समूह है उसको वन मानेंगे और ये टू पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, टू मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। इस तरह से ये IUPAC नाम देते टाइम OH ग्रुप को वन नंबर पे रखना है। इस प्रकार अब तक हमने जाना एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर क्या हैं, इन्हें किस प्रकार से हमने वर्गीकृत किया, OH समूह के आधार पे एल्कोहल फिनॉलों को मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक में वर्गीकृत किया गया और ईथर को एल्किल समूहों के आधार पे सममित तथा असममित ईथर में वर्गीकृत किया। उसके बाद हमने
अल्कोहल की सामान्य तथा आईयूपीएसी नामकरण पद्धति देखी, जहां हम सामान्य नाम के लिए एल्किल समूह के आगे अल्कोहल जोड़ देते हैं, जबकि आईयूपीएसी पद्धति में एल्केन का ई हटाकर ऑल लगा देते हैं। और यदि मान लीजिए एक से अधिक ओएच समूह हैं तो एल्केन का ई नहीं हटाएंगे और हम उसके आगे जितने भी संख्या में ओएच समूह हैं उनका पूर्व लग्न डाई ट्राई आदि लगाकर और ऑल लिख देते हैं। और चक्रीय अल्कोहलों में ओएच समूह को पहले कार्बन पर रखते हुए साइक्लो शब्द लगाकर नाम लिखा जाता है। अब हम आगे फिनॉल तथा ईथर के नामकरण को देखते हैं। फिनॉल, इनका सामान्य नाम फिनॉल आईयूपीएसी द्वारा अनुमत है, अर्थात इस उदाहरण में देखें बेंजीन रिंग पे जब डायरेक्टली ओएच समूह है तो इसे फिनॉल कहा जाता है और सामान्य नाम फिनॉल है तथा आईयूपीएसी नाम भी फिनॉल है। इसके प्रतिस्थापित यौगिकों में ऑर्थो 1,2 द्विप्रतिस्थापित, मेटा 1,3 द्विप्रतिस्थापित तथा पैरा 1,4 द्विप्रतिस्थापित भी सामान्य नाम में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात सामान्य नाम में जब 1,2 पोजीशन पे प्रतिस्थापित समूह लगे हों तो ऑर्थो कहा जाएगा, 1,3 पोजीशन पे अगर प्रतिस्थापित समूह लगे हों तो मेटा और 1,4 पे प्रतिस्थापित समूह लगे हों तो पैरा प्रयुक्त होगा। इस उदाहरण में देखें यहाँ मैथिल समूह तथा ओएच समूह इनकी रिलेटिव पोजीशन 1,2 है तो ऑर्थो शब्द प्रयुक्त हुआ और CH3 और एक ओएच समूह होने पे हम क्रिसॉल कहते हैं, सामान्य नाम क्रिसॉल है तो ये हो गया ऑर्थो क्रिसॉल। जब CH3 और OH की रिलेटिव पोजीशन 1,3 होती है तो मेटा शब्द होगा, मेटा क्रिसॉल, और रिलेटिव पोजीशन अगर CH3 और OH की 1,4 है तो पैरा क्रिसॉल। तो इस तरह से ऑर्थो मेटा और पैरा समावयव बन गए। आईयूपीएसी नाम देखें तो ये आईयूपीएसी नाम में फिनॉल हमारा बेस कंपाउंड है और उसके 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मैथिल फिनॉल ये हो जाएगा 3 मैथिल फिनॉल, ये वाला 4 मैथिल फिनॉल। बेंजीन के डाई हाइड्रोक्सी व्युत्पन्नों को बेंजीन 1,2 1,3 या 1,4 डायोल कहते हैं। इन उदाहरणों में देखें बेंजीन की वलय पे 2 ओएच समूह 1,2 पोजीशन पे हैं, सामान्य नाम कैटेकॉल है और आईयूपीएसी नाम बेंजीन 1,2 डायोल। हम बेंजीन लिख के जिन पोजीशन पे ओएच समूह लगे हैं उनकी पोजीशन लिख के और 2 होने के कारण डाई ऑल लिखेंगे। 1,3 पे जब ओएच होते हैं इसे रिसॉर्सिनॉल कहा जाता है और आईयूपीएसी नाम बेंजीन 1,3 डायोल। इसी तरह से ओएच समूह अगर 1,4 पोजीशन पे हैं इसे हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल कहते हैं, आईयूपीएसी नाम में बेंजीन 1,4 डायोल। ईथर, ईथरों के साधारण नाम के लिए एल्किल अथवा एरिल समूहों के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णात्मक क्रम में अलग अलग लिखकर अंत में ईथर शब्द लिखा जाता है। इस उदाहरण में देखें ऑक्सीजन समूह के दोनों तरफ एक तरफ मेथिल है एक तरफ एथिल समूह है। जब हम नाम लिखेंगे तो दोनों एल्किल समूहों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है तो एथिल मेथिल और आगे क्या शब्द लगा देंगे, ईथर, एथिल मेथिल ईथर। यदि दोनों एल्किल समूह समान हों तो एल्किल समूहों के पूर्व लग्न डाई लगाते हैं। इस उदाहरण में देखें यहाँ दोनों एल्किल समूह एथिल हैं तो ये डाई एथिल ईथर हो गया। आईयूपीएसी नाम पद्धति, ईथरों को एल्कोक्सी एल्केन कहा जाता है। ईथरों को हाइड्रोकार्बनों का व्युत्पन्न माना जाता है जिनके हाइड्रोजन परमाणु OR एल्कोक्सी समूह या OAR एराइल ऑक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। इनमें बड़े एल्किल समूह को मूल हाइड्रोकार्बन चुना जाता है तथा छोटे एल्किल समूह को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर एल्कोक्सी प्रतिस्थापी कहा जाता है। इन उदाहरणों में हम देखेंगे किस प्रकार छोटे एल्किल समूह को O के साथ मिलाकर एल्कोक्सी लिखा है और बड़े एल्किल समूह को एल्केन की तरह नाम दिया जाता है और इस तरह से ये एल्कोक्सी एल्केन इनका आईयूपीएसी नाम होता है। इस उदाहरण में देखें CH3 OCH3 यहाँ दोनों ही समान हैं, मैथिल समूह है, डाई मैथिल ईथर इसका साधारण नाम हो गया
और IUPAC नाम में मेथॉक्सी मेथेन, यदि ये CH4 होता तो मेथेन होता, उसका H हटा के OCH3 यानी कि मेथॉक्सी समूह लगा है तो मेथॉक्सी मेथेन। इसी तरह से ये भी दोनों एथिल समूह हैं, डाई एथिल ईथर साधारण नाम, और दोनों ही तरफ कार्बन की संख्या बराबर है तो इसको हम एथेन माने और ओ के साथ दूसरे वाले एथिल समूह को एथॉक्सी बोलेंगे, तो एथॉक्सी एथेन। इसी तरह से इसमें देखें यहाँ अलग अलग कार्बन की संख्या है, ऑक्सीजन के एक तरफ एक कार्बन का मेथिल समूह, दूसरी तरफ तीन कार्बन का प्रोपिल समूह है, साधारण नाम में मेथिल एन प्रोपिल ईथर कहा, और IUPAC नाम में हम बड़े एल्किल समूह वाले को एल्केन का प्रतिस्थापी समूह लेते हुए एल्केन की तरह नाम देते हैं और छोटे एल्किल समूह को ओ के साथ प्रतिस्थापी समूह मानकर एल्कोक्सी की तरह नाम दिया जाता है। तो बड़े एल्किल समूह के लिए प्रोपेन और छोटे वाले के लिए मेथॉक्सी, इस तरह से मुख्य श्रृंखला के एक कार्बन पर OCH3 समूह जुड़ा है तो वन मेथॉक्सी, तीन कार्बन की श्रृंखला होने के कारण प्रोपेन, वन मेथॉक्सी प्रोपेन। इसी तरह से ऑक्सीजन के एक तरफ फेनिल समूह और एक तरफ मेथिल समूह है तो मेथिल फेनिल ईथर, या इसे एनिसोल भी कहते हैं, साधारण नाम में एनिसोल भी कहा जाता है और IUPAC द्वारा भी अनुमत है। और जब हम IUPAC नाम देखें तो इन दोनों में से मेथिल और फेनिल में से फेनिल समूह बड़ा है तो ये मेथॉक्सी की तरह नाम दिया जाएगा, छोटे एल्किल समूह को ओ के साथ जोड़ के मेथॉक्सी, और इसे हम बेंजीन कहेंगे, तो ये हो गया मेथॉक्सी बेंजीन। इसी तरह से नीचे वाले उदाहरण में दो कार्बन को ओ के साथ जोड़ के एथॉक्सी और ये बेंजीन कहने पे इसका IUPAC नाम एथॉक्सी बेंजीन हो गया, और साधारण नाम में एथिल और फेनिल समूह ऑक्सीजन के दोनों तरफ है, एथिल फेनिल ईथर या फिनिटॉल कहा जाता है। सबसे आखिरी उदाहरण में देखें, यहाँ पे एक तरफ ऑक्सीजन के एक तरफ छह कार्बन के फिनाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ छह कार्बन तो CH2 में ही है और एक ये कार्बन सात कार्बन की श्रृंखला है, तो बड़े वाले को हम एल्केन बोलेंगे IUPAC नाम में और छोटे वाले को एल्कोक्सी, तो छह कार्बन पे ओ को मिलाकर हम इसे फिनोक्सी कहेंगे और सात कार्बन की श्रृंखला को हेप्टेन कहा जाएगा, और क्योंकि पहले ही कार्बन पे OC6H5 लगा है तो वन फिनोक्सी हेप्टेन। और साधारण नाम में एक तरफ फेनिल समूह और एक तरफ हेप्टिल समूह है तो हेप्टिल फेनिल ईथर। इस उदाहरण में देखें यहाँ पे सात कार्बन की चेन एक तरफ और एक तरफ छह, ये वही उदाहरण आ गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, इसमें तीन कार्बन की श्रृंखला है और उसपे सेकेंड कार्बन पे OCH3 लगा है, तो इस वाले चेन को हम क्या कहते हैं, जब सेकेंड कार्बन पे से वैलेंसी फ्री होती है तो ये आइसोप्रोपिल चेन है और ये मेथिल है, तो मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। और या फिर IUPAC नाम देंगे तो वन टू थ्री, तीन कार्बन की श्रृंखला में टू पोजीशन पे OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप है, टू मिथॉक्सी प्रोपेन। इसी तरह से इसमें देखें, इसमें ये कार्बन की श्रृंखला जहाँ की चार कार्बन और एक साइड चेन मिथिल समूह है तो ये आइसोपेंटिल समूह है, क्योंकि कुल पांच कार्बन है और सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ब्रांच है, आइसोपेंटिल समूह और ये फिनाइल ग्रुप, साधारण नाम में फेनिल आइसोपेंटिल ईथर कहा। और IUPAC नाम जब देंगे तो हम ये मेन चेन मानेंगे, मेन बेस कंपाउंड मानेंगे बेंजीन, और उस पे ये ग्रुप ऑक्सी की तरह जुड़ा हुआ है तो इसे बोलेंगे, चार कार्बन का चेन को ब्यूटॉक्सी कहा जाता है, लेकिन इसमें जिस जगह से कार्बन जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, ये वन ये टू ये थ्री और थ्री पे मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और ये फोर्थ कार्बन, तो थ्री मेथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। इसमें देखें यहाँ दो एल्कोक्सी समूह लगे हुए हैं, दो कार्बन की चेन है और वन पे भी OCH3 और टू कार्बन पे भी OCH3, तो वन टू डाई मिथॉक्सी इथेन। इस उदाहरण में देखें साइक्लोहेक्सेन की रिंग है और इसमें एक एथॉक्सी समूह है और दो मेथिल समूह है, क्योंकि सभी प्रतिस्थापी समूह हैं इसलिए कम नंबर देने के लिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे जिससे कि दोनों मेथिल समूह को वन वन मिल जाए और एथॉक्सी को टू मिल जाए, तो ये नाम हो जाएगा टू एथॉक्सी वन वन डाई मेथिल साइक्लोहेक्सेन। एथॉक्सी पहले क्यों लिखा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है,
इसलिए एथॉक्सी को लिखते समय हमने 2 एथॉक्सी पहले लिखा, और मेथिल का एन देखना है तो 1,1 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब देखते हैं प्रकार्यात्मक समूहों की संरचनाओं के बारे में। एल्कोहलों में OH समूह की ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक सिग्मा आबंध द्वारा जुड़ी होती है, जो कार्बन के sp3 संकरित कक्षक और ऑक्सीजन के sp3 संकरित कक्षक के अतिव्यापन द्वारा बनता है। यहाँ देखें, इस एल्कोहल मेथेनॉल है, CH3OH। ये जो कार्बन ऑक्सीजन आबंध है, यहाँ कार्बन भी sp3 संकृत है और ऑक्सीजन भी sp3 संकृत है, और इनके sp3 कक्षकों के अतिव्यापन से ये कार्बन ऑक्सीजन बंध बना है। एल्कोहलों में असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगलों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम होता है। यहाँ देख रहे हैं, ये जो बंद कोण है 108.9 डिग्री है। ये चतुष्फलकीय कोण से कम क्यों हो गया, जबकि ऑक्सीजन भी sp3 संकृत था और कार्बन भी sp3 संकृत है। इसमें ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर हैं, और लोन पेयर असहभाजित इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके बीच प्रतिकर्षण के कारण ये कोण कम हो जाता है। इनमें आपस में प्रतिकर्षण होगा, यहाँ जो लोन पेयर अपन बनाते हैं उन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण है, और लोन पेयर प्रतिकर्षण अधिकतम होता है, फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण है, तो वो लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी नीचे की ओर प्रतिकर्षित कर रहा है, और इधर से ये लोन पेयर भी इस वाले बॉन्ड पेयर को नीचे की ओर प्रतिकर्षित कर रहा है, अतः ये बंद कोण का मान थोड़ा कम हो जाता है। फिनॉल में OH समूह एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन के साथ जुड़ा होता है। यहाँ देखें, ये sp2 संकृत कार्बन है बेंजीन में सभी, इस sp2 संकृत कार्बन पर OH समूह जुड़ा है। आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण से थोड़ा कम होता है, यहाँ 109 डिग्री है, वही लोन पेयर के रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो गया है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, फिनॉल के कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई 136 पिकोमीटर है, जो कि मेथनॉल में उपस्थित इस आबंध की लंबाई से थोड़ी कम होती है। वहाँ हमने 142 पिकोमीटर देखा और ये 136 पिकोमीटर है। ये लंबाई कम क्यों हो गई, कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो ये लंबाई है ये कम क्यों हो गई है, इसके दो कारण हैं। एक तो ऑक्सीजन sp2 संकृत कार्बन पर जुड़ा है, sp2 संकृत कार्बन में s गुण कितना है, 33.3%। जब s गुण अधिक होता है तो कक्षक का आकार छोटा होगा, s कक्षक नाभि के करीब होता है, जितना s गुण अधिक होगा उतना ही कक्षक का आकार छोटा हो गया, छोटे कक्षक से बनने वाला बंध भी छोटा होगा, अतः ये जो कार्बन sp2 संकृत कार्बन के कक्षक से ऑक्सीजन के साथ बंध बना है ये छोटा हो गया कार्बन के sp2 संकरण के कारण। और दूसरा कारण ये है, जब भी एकाकी युग्म लोन पेयर अगर बॉन्ड पेयर के संयुग्मन में आ जाए, कॉन्जुगेशन में आ जाए, मतलब लोन पेयर के बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से हो, तो यहाँ रेजोनेंस के द्वारा अनुनाद के द्वारा द्विबंध गुण आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण भी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। अगर हम अनुनाद देखें तो इस ये लोन पेयर यहाँ पर बंध बना देंगे, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इससे यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरह से अनुनाद में यहाँ द्विबंध गुण आने से बंध लंबाई कम हो गई है। तो जब भी लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो तो इस तरह का अनुनाद होगा, और इस कारण से यह लंबाई कम हो गई। तो इस तरह से लंबाई कम होने के दो कारण हैं, एक तो अनुनाद के कारण और दूसरा sp2 संकृत कार्बन के कारण। ईथरों में दो स्थूल R समूहों के मध्य प्रतिकर्षक अन्योन क्रिया के कारण आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण से थोड़ा अधिक होता है। यहाँ देखें, ये डाईमेथिल ईथर है, इसमें ये एल्किल समूह मेथिल लिया और इधर भी हमने एल्किल समूह मेथिल लिया, इनके बीच क्योंकि हाइड्रोजन की तुलना में एल्किल समूह के बीच प्रतिकर्षण अधिक होता है, इस प्रतिकर्षण से ये बंद कोण का मान चतुष्फलकीय कोण से अधिक हो गया है, 109 डिग्री 28 मिनट चतुष्फलकीय कोण है, जबकि यहाँ पर 111.7 डिग्री है। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई 141 पिकोमीटर
जो कि अल्कोहलों के कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई के लगभग समान होती है। ये जो लंबाई है यहाँ पर, क्योंकि कार्बन भी sp3 संकृत है यहाँ भी और ऑक्सीजन भी sp3 संकृत है, अतः लंबाई लगभग अल्कोहल की तरह ही 141 पिकोमीटर है। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने जाना कि किस तरह से हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को वर्गीकृत कर सकते हैं। अल्कोहल और फिनॉल के लिए OH समूहों की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक में वर्गीकरण, उसी तरह से कार्बन के संकरण अवस्था के आधार पर sp3 संकृत कार्बन पर OH का होना या sp2 संकृत कार्बन पर OH का होना, उस आधार पर वर्गीकरण। ईथरों के वर्गीकरण में हमने सममित तथा असममित ईथर के बारे में जाना। नामकरण पद्धति में हमने अल्कोहलों का साधारण नाम तथा IUPAC नाम जाना। उसी में हमने डायोल, ट्रायोल, जहां अधिक OH समूह हैं उनके नाम तथा साइक्लो अल्कोहलों के बारे में जाना। उसी के बाद हमने इन समूहों के क्रियात्मक समूहों की संरचनाओं को देखा, जहां अल्कोहल की संरचना, फिनॉल की संरचना और ईथर की संरचना, जिसमें हमने देखा कि फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई अनुनाद तथा sp2 संकृत कार्बन के कारण कम हो जाती है। अगली कक्षा में हम जानेंगे अल्कोहल तथा फिनॉल के विरचन की विधियों के बारे में, उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।